गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भवानी इवनिंग शो। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। दोस्तों मेरा मोबाइल में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो दोस्तों वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को मेरा जरूर कमेंट में बताना। तो दोस्तों मेरा इतना दिन वीडियो क्यों नहीं आ पाया वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो जो है वो इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरा जो मोबाइल में जो स्टोरेज कैपेसिटी है दोस्तों वो बहुत ही कम था। तो दोस्तों मेरा स्टोरेज नहीं हो पा रहा था दोस्तों, तो इसी के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों मैं अभी एक नया मेमोरी कार्ड ली हूँ, तो दोस्तों इसीलिए आज मैं फिर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाइए और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, तभी मैं आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगी। तो दोस्तों आज मैं ली हूँ समोसा। तो दोस्तों आज और भी कुछ खाने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो के साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर और बताना हमें जो मैंने आज में कितने आइटम खाए। तो दोस्तों पहले समोसा को स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों इधर मैंने पानी भी ले कर रखी हूँ, तो दोस्तों अगर ज़रूरत हो तो पानी भी पी सकती हूँ। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। दोस्तों गर्मा गर्म समोसा है, तो चलिए खाते हैं। दोस्तों बहुत ही गर्म है, मुंह पूरा जल गया दोस्तों। लेकिन स्वादिष्ट है दोस्तों। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट में बताना क्या मैं मेरे मम्मी के साथ ईटिंग शो करूंगी या नहीं। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही मन कर रहा है जो मम्मी के साथ रोज वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट में बताना। दोस्तों ये बहुत ही गर्मी है, तो दोस्तों मैं इसके लिए कुछ और भी ली हूँ। पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही गर्म है, तो इसको मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले इसे तोड़ कर रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। दोस्तों ये नया स्टाइल आप देख रहे होंगे जो कोई ऐसा करके समोसा खाता है। तो दोस्तों मैं इसीलिए ली हूँ एक आइसक्रीम और ये है रोलिक का डाब मलाई। तो दोस्तों इसे मैं कैसे खोलूँगी आप देखिए एक बार। तो दोस्तों मुझे अल्टीमेटली खोलना आ गया है और ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों गर्मी में आप भी आइसक्रीम खाइए। पूरा डाब वाला मलाई है। दोस्तों इसमें साइड तक डाब का पानी भी मिक्स किया हुआ है, इसलिए इसका नाम डाब मलाई है। और इसमें नारियल के जैसा थोड़ा
बीट्स भी हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं और भी चीज खाने वाली हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अभी बहुत जोर का बारिश आ गया, दोस्तों बहुत ही स्पाइसी भी है। तो मेरा तो पेट ही भर जा रहा है। तो दोस्तों मैं ये खीर रख देती हूँ, बाद में कभी खाऊंगी। दोस्तों मेरे पेट इतना ही छोटा है शायद तक। तो डब मलाई वाला आइसक्रीम जरूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत ही स्वाद लगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बोलना भूल गई, तो दोस्तों मैं ब्लॉगिंग वाला वीडियो में भी चैनल में भी मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि दोस्तों मैंने एक मेमोरी कार्ड ले लिया हूँ। तो दोस्तों अभी प्रॉब्लम उतना है नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मोबाइल का जो इंटरनल मेमोरी है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग मेरा
ब्लॉगिंग वाला चैनल भी जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, उसका नाम है हाय दोस्तों ब्लॉगर। तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो के तक के लिए गुड बाय।